नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू पॉकेट गेमर में और आप देख रहे हो पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड। तो पिछले पार्ट में हम लोग मैंने आपको अपना पोकेडेक्स सिखाया था और एक अच्छी बात यह है कि मैंने आर्क का पहला जो एपिसोड है वो रिकॉर्ड कर लिया, बट मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा नूब हूँ मैं उस गेम में और मैं कीबोर्ड और माउस से खेल रहा हूँ, तो फिर दिक्कत मुझे काफ़ी आ रही है क्योंकि मेरा सेकेंड गेम है जो मैं कीबोर्ड और माउस से खेल रहा हूँ, क्योंकि पहला माइनक्राफ्ट है, बट माइनक्राफ्ट में ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कीबोर्ड और माउस से। तो देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता है उस पूरे सीरीज़ में। मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग मुझे हेल्प करोगे तो ही वो सीरीज़ जो है अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। बट उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो कमेंट्स आते हैं वो उस तरीके से बहुत ही हेल्पफुल कमेंट्स आते हैं आप लोगों की तरफ से, तो उसी तरीके से देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहा है इसको, एवा एवा करते रहो। तो मैं काफ़ी काफ़ी देर से इन लोग को टेम करने की सॉरी हार्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों को अगर मैं फुल ऑन फ्रेंडशिप करूँ। ओ खुश हो गई, हाँ खुश हो रही है। ओके तू भी खुश हो जा भाई। पाई पाई क्यों बोल रही है, मैं तेरा पाई हूँ क्या? खाना भूख लग गई इसको, तन्ने भी भूख लगी है क्या? मेरे ख्याल से मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कैंप में इन लोगों को वो करने के लिए, फ्रेंडशिप लेवल बढ़ाने की, क्योंकि तभी ये लोग जो है इवॉल्व होते हैं सिल वैली और सिल्वियॉन में। आजा ईवी वापस, ईवी ऋषभ की बीवी। अरे इसके पिछवाड़े में क्यों छुप गई पाई? मैं तेरा पाई नहीं है। भूख लगने लग गई है, इसको क्या हो गया? चल चल तुझे मैं टॉय दूसरा देता हूँ, चल चल छू लेके आ कैच कर। पाई ओके ओ चैट कर सकते अपन। अच्छा और बताओ भाई क्या हाल चाल है। नल टेल मी मोर करके पका डालता हूँ उसको मैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा उसको क्या चल रहा है। और ईवी आ गई है शायद भोले के बॉल, तो रिसीव कर लेते बॉल, उसको अच्छा लगा। अब मैं इसको तो इसके लिए थ्रो करता हूँ, चल जा तू पकड़ गया फैच कर। वन साला आलसी निकला, इतने धीरे जा रहा है ना। आजा नल, आजा रे, रिसीव कर लेते बॉल और अपन टॉय जो है चेंज करते हैं और फिर से एक बार टेक आउट टॉय। ओके पाई, इसको तो भूखी लग रही है, भूखी है ईवी। अच्छा खुश है ये, हाँ तू खुश रहे भाई, अच्छा लगता है तू ऐसे खुश रहता, तो ऐसा लात वात मारते हो तो अच्छा नहीं लगता। ओके तो अभी तेरे साथ अपन बात करते हैं। ओ इसको भी भूख लग गई, तो एक काम करते हैं टेल मी मोर करते रहते हैं, बेचारे को भूखा मरने देते हैं। और अपन अभी फ़िलहाल के लिए एक्स में जाके कुकिंग करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुकिंग करने से शायद इनको और अगर अच्छा हम लोग खाना वाना बना के खिलाए तो शायद ये अच्छे अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए हमारे इनके साथ। तो फ्राइड फूड तो नहीं खाएंगे, पता नहीं। 14 ओ सॉसेज स्पाइस मिक्स, तो एक काम करते अपन फूड का टिन खोलते अपन, उसके साथ अपन मस्त मस्त बैरी। एक मिनट एक काम करते, सॉर्ट में देखते हैं क्या कुछ है क्या बाय टाइप। ओके तो हेल्दी बनाने के लिए अपन हेल्दी बेरी यूज़ करते हैं, यूनिक फ्लेवर। ओके तो मैं रैंडमली कुछ कुछ डाल देता हूँ। और कुछ है कि अच्छा टमाटो बेरी डाल देते हैं इसको और फिर उसके बाद रेडी करते हैं, देखते हैं कि कुछ अच्छा बन जाए अपने लायक तो फिर मज़ा आ जाएगा। पुइंग पुंग लेट्स सी, फैन करो फैन बनो FFG के फैन बनो, मेरे मत बनो भाई, मेरे बनोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं सड़ी सड़ी बातें सिखाता हूँ लोगों को।
आंच जो है अपन थोड़ा धीमी आंच में पकाते हैं। चारीजाट खुश हो रहा है, देख रहे हो? और फिर उसके बाद अपन थोड़ा स्टरिंग करते हैं, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। मेरा एनालॉग स्टिक जो है खराब मत हो जाए। ओके, पुई पुई बज रहा है तो फिर शायद अच्छी बात है। ओके, अब क्या करूं? ग्रीन सर्कल पे आना चाहिए क्या? पता नहीं क्यों, कैसे करना चाहिए वो मुझे आइडिया नहीं, अभी तक पता नहीं चला। तो लेट्स होप कि कुछ अच्छा बनाया हो हम लोगों ने। मुझे एक बार रेसिपीज भी देखनी पड़ेगी कुकिंग की। स्पाइसी रिच करी, क्या बात है, रिच करी है। लेट्स सी, लेट्स होप कि चारिज़ार्ड को पसंद आए। गोल्डन तो दिखा रहा है, गोल्डन बैकग्राउंड हो गया तो शायद मिल्सरी क्लास। ओके, स्पाइसी रिच करी जो है हमारे पॉकेट सॉरी करी डेक्स में आ गया। बट आई थिंक अगर मैं, ओए किधर जा रहा है? अरे जमाजंटा आ गया भाई। ओके, तो अगर मैं स्पीक करता हूँ इससे, ओ ये तो ऑलरेडी प्यार करता है। ओके ओके, तो अच्छी बात है भाई, तुम प्यार करते हो मुझसे तो। ईवी, ओ ईवी, ईवी भी प्यार करती। और बता ईवी क्या हाल चाल है भाई, ऋषभ की बीवी। ए पाए, ए भाई, लेट्स डू समथिंग एल्स। लेकिन क्या खेलना है इसके साथ? अच्छा, इसको ये नहीं खेलना है। तू एक काम कर यार, तू ये ना बॉल ले गया, इससे पहले कि नल जो है। ओ क्या कर रहा है, इधर उधर भागे जा रहे हैं ये लोग। व्हाट, ये भी क्या हो गया, बॉल कौन लाएगा? तेरे थारा पप्पा। अच्छा ये लेके आया, जमा सेंटर लेके आया, अच्छी बात है। नल किधर गया यार, ये बहुत अजीब हो जाता है। कोई बात नहीं, क्विट करते हैं। तो पता नहीं कब होगा ये लेवल अप, बट मैं एक बार दिखाना चाहता था कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो अगर कहीं पे भी मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे एटलीस्ट बता सकते हो कि आपको कैसा करना चाहिए, तो अच्छी बात है। ओके, और एक चीज़, पोकेमॉन डेंस जो है ना, मैं रेड करना चाहता हूँ। बट अभी प्रॉब्लम यह है ना कि ये वाला जो डेन है, इसको मैंने ऑलरेडी 3-4 बार ट्राई कर लिया है, बट मैं सेंटी स्कॉर्च को जो है ना पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, और आप समझ ही सकते हो कि दिक्कत, मतलब दिक्कत ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन जाते हैं इधर, क्या बोलते हैं, लेक ऑफ आउटरेज की तरफ। मेरे ख्याल से सारे अच्छे पोकेमॉन यहाँ पे ही होते हैं, तो यहाँ के जो पोकेमॉन डेंस है उनको अपन ना लाइट अप करते हैं विशिंग पीस डाल डाल के, और देखते हैं कि कुछ अच्छा दे दे। आज क्रिसमस का टाइम है, तो फिर लेट्स होप कि ओ ओके, स्लेंडेड है कि सलाजल है? स्लेंडेड ही होगा ये। कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, अगर कुछ नहीं रहा तो पकड़ेंगे अपन। वहाँ पे एक जल रहा है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वहाँ का फ्री वाला जो है वो पहले देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए हमें। मुचा मुचा, थारे पप्पा को किसने पूछा? कुछ अच्छा दे दो यार प्लीज। यार ये तो ये है। ओके, तुम कोई ऐसी अजीब जगह जो मिलेगी ना, जैसे इसके अंदर ये दिया हुआ है, तो इसमें विशिंग पीस डाल के ना एक बार ट्राई करके देखता हूँ। कई बार पर्पल डेन मिल जाता है हमें। ये कौन सा है? वाटर घोस्ट, वाटर घोस्ट है। मेरे पास तो ग्रास टाइप कुछ नहीं है इसके लिए। बट इंटेलियन है, लेकिन लेवल 5 स्टार है। ओके, वाटर घोस्ट पोकेमॉन याद रखिए, याद रखेंगे अपन। और कोई है डेन आसपास जो थोड़ा अजीब सी जगह पे? लेक ऑफ आउटरेज पे जाना चाहता हूँ। वो यहाँ पे 3-3 है, तो इन तीनों को अपन एक्टिवेट करके देखते हैं।
ये भी सलाजल है शायद, साला जल। ई का है, अच्छा ये वो वाला पोकेमॉन है। ओके और कौन सा है ये यार, ये कितने बार देगा ये उल्लू पोकेमॉन। ग्रिम स्नॉल है, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी सारी विशिंग पीस बची हुई है, बट मैं एटलीस्ट देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। डस्ट नोअर को भी पकड़ना है अपने को। ये वाला थोड़ा आइसोलेटेड जगह पे, तो शायद से कुछ अच्छा दे दे। दे दो यार कोई तो अच्छा दे दो यार, एटलीस्ट वीडियो के लिए दे दो प्लीज। ई का है भाई, पिलो स्वाइन जैसा दिख रहा है, स्वाइन के जैसा दिख रहा है। ओके सरीना वहाँ पर घूम रही है सरे आम। लेट्स ट्राई दिस वन। यार एक भी पर्पल क्यों नहीं मिल रहा मुझे। ओ ये क्या है, रॉक वाटर है ये। शेट ये वाला पोकेमॉन पकड़ा है शायद मैंने, उसके पीठ पे हाथ के जैसा कुछ रहता है, दांत के जैसा कुछ रहता है टाइप्स। ओह ओके, तो मेरे पास अभी विशिंग पीस ख़त्म हो गई है। तो मैं एटलीस्ट जो है ना इसको मेरे पास अच्छा पोकेमॉन कौन सा है, मेरे ख्याल से अगर मैं जलेबी बाई को यूज़ करूँ यहाँ पर तो अपने को काफ़ी फ़ायदा होगा डायनामिक्स वाले उसको वो करके। लेकिन अपन एक और चीज़ करेंगे, बैग में जाके ना मैं एक एटलीस्ट जो जलेबी बाई है उसको ना थोड़ा लेवल अप कर लेता हूँ, ताकि अपना जो ये चीज़ है वो फास्ट हो जाए। ओके एक लेवल हो गया, और अभी इसको यूज़ करके अपन जितना हो सके अपन लेवल अप कर लेते हैं उसको। 94 हो गया विच इज़ गुड, और फिर लार्ज कैंडीज भी बची हुई है और 96। 100 100 हो जाए ना तो मुझे एक बार टेंशन नहीं रहेगा कि इसको मुझे लेवल अप करना है या उसको करना है। तो 97 हो चुका है, और मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा रेयर कैंडी, क्योंकि अभी और स्टैट्स पे तो फ़र्क नहीं पड़ना है इसके। तो इसको 100 करके अपन अंदर लेके जाते हैं। नल को भी मुझे अपग्रेड करना है, बट करेंगे अपन। लेट्स होप कि देखते हैं ये वाला पोकेमॉन कौन सा है। स्विच करते हैं अपन जलेबी बाई पे, और इसको मस्त डायनामिक स्कैनर मारते हैं। ओह शिट, इनवाइट अदर्स क्यों किया, मेरे को ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 स्टार है, तो मैं शायद से 3-4 टर्न में इसको ख़त्म कर सकता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। ओ ये अजी बारबैकल, हाथ ही हाथ है इसके शरीर में, तो इसको पकड़ लेंगे तो एटलीस्ट जो हमारा कलेक्शन है उसमें ये ऐड हो जाएगा। 216 पोकेमॉन्स ऑलरेडी मैं पकड़ चुका हूँ, तो लेट्स होप कि अपन और अच्छे से पोकेमॉन पकड़ लें। लेवल 100 होने के बाद जो ये जो डेंस होते हैं ना काफ़ी वो हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, तो इसको डायनामिक स्कैनर मारता हूँ मैं फटाफट। और मैंने इस पे पीपी अप भी यूज़ किया था इसके डायनामिक स्कैनर वाले मूव में, तो अभी 5 के जगह पे 8 बार ये यूज़ कर सकता है। होली शिट नाइस, दिस इज़ वेरी वेरी कूल। ओके हाइड्रो पंप यूज़ किया, घंटा फर्क नहीं पड़ा। ओ अच्छी बात है, कुछ तो कम हो गया हमारा। मेरे चिंटू पिंटू लोग अगर बताओ एक एक फाइट भी मार देना उसको तो उसका शील्ड ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आराम से निपटा दूंगा उसको। या होन क्लॉस मारा उसने मुझे,
मैजिक आर्प तू ना यूज़लेस है पता है, जब तक गैरेड उसमें कन्वर्ट नहीं होती। ओके तो अभी एक एक डायनामिक्स से केरेन मरते हैं, फिर कोई ना कोई उसको निपटाई दे देगा हमारे टीम मेंबर में से, विच विल बी वेरी वेरी ग्रेट। नाइस, तो अभी कोई किसी का भी शॉट लग जाएगा अगर उसको, तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पर हम शायद इसको डस्क बॉल पे ट्राई करेंगे पकड़ने के लिए। कैच मेरे ख्याल से मैं लेवल बॉल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लेवल अभी 100 है, और अगर मैं ये अगर लेवल 60 या 50 का हुआ तो काफ़ी इजी हो जाएगा पकड़ने के लिए। पर ठीक है, ट्राई करने में क्या है। मुझे और विशिंग पीस खरीदनी पड़ेगी एक्चुअली, मुझे लग रहा है। ओके वी गॉट हिम, बारबकल बारबराकल। दिख कैसा दिख रहा है ना, मतलब हाथ ही हाथ है भाई, हाथ ही हाथ बढ़ाना। ओके मैक्स रेट बैटल्स में इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एटलीस्ट जो मेरे मेन पार्टी मेंबर्स है ना उनको मैं इसमें कर लूँ, क्या बोलते हैं 100 लेवल का कर लूँ इसलिए। और फिर उसके बाद अच्छा एक एक और चीज़ गाइस, मुझे आप लोगों की एक और हेल्प चाहिए कि मुझे मुझे जो ये है ना क्या बोलते हैं, हाँ मुझे जो पोकेमॉन्स कैच करने अपना पोकेडेक्स जो भरना है मुझे, तो वहाँ पर मुझे ऑफलाइन वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन के लिए ट्राई कर रहा था बट मुझे बहुत ही घटिया वो आ रहा है। ओके तो मैं विशिंग पीस खरीद लेता हूँ, कितने खरीद सकता हूँ मैं, चलेगा तो 21 विशिंग पीस मैंने खरीद लिया है। तो आज का जो काम, आज का काम है ना ये डेन फाइट करने में ही चला जाएगा आज का जो वो है। देखते हैं हमें क्या क्या कुछ किसी कोई भी एक जाइगेंडा मैक्स मिलता है क्या। ओके प्रोग्रेस सेव हो गया, तो क्रोवी मेरे पास है, तो वैसे मेरे ख्याल से मैं एक ऋषभ के लिए पकड़ लेता हूँ, क्योंकि उसने शायद नहीं पकड़ा होगा और उसको काम आ जाएगा अगर हम लोग जब एक्सचेंज करेंगे तो। तो एटलीस्ट जो जाइगेंटा मैक्स फॉर्म है उसका वो हम लोगों को दिया हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। अपन भी जाते हैं डेड मस्ट जाइगेंटा मैक्स मार के जी मैक्स वाइल्ड फायर यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रोवी का जो स्पीड है कंपेयर टू अपना जो चारिज़ार्ड है उसके स्पीड से तो काफ़ी कम है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसके लिए कोर्ट मत करना मुझे। अंदर तो लेवल हो मार भाई, ऐसा देखने का नहीं फटाफट निपटाने का। ठीक है असर तो हुआ, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्लिफेबल है, अच्छा वो वाइल्ड रेज मारा उसने, फ्लाइंग टाइप मूव है करके हमें थोड़ा सा वो पहुंचा। ओह लगा था स्टील विंग भी मार दिया उसने बैक टू बैक, फायर लैश अच्छी बात है। इसको हम विग वाला अटैक मारेंगे क्योंकि उससे फिर हमारे पार्टी की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, विच विल बी वेरी 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 गुड। और फिर इसके बाद इसकी स्पीड वो भी कम रहेगी, अच्छा नॉट वेरी इफेक्टिव है लेकिन ये कोई नहीं, फिर जी मैक्स वर्ल्ड फायर से काम चला जा। नाइस फाइव स्टार वाले जो मैक्स रेड बैटल्स होते हैं उसमें कितनी एचपी रहती है ना पोकेमॉन्स के पास,
वो लोग लेवल 100 के नहीं होते, फिर भी ऑलमोस्ट लेवल 100 का जो एक्सपी रहता है उसके जैसा रहता है उनके पास। और वो लोग 2 बार बैरियर यूज़ करते हैं, अगर वो 2 बार बैरियर्स अगर नहीं यूज़ करते रहा तो कब से हम लोग इसको आराम से निपटा सकते थे। तो चलो अच्छी बात है, डिफेंसिव फेंस फेल हो रहा और फिर से बैरियर ले आया, तो मतलब ये हम लोग 2-3 मूव्स में इसको ख़त्म कर सकते हैं। अपना वही ट्रिक अपनाते हैं अपन। तो अभी हमारे 3 पोकेमॉन्स जो है वो लेवल 100 के हो गए हैं। मुझे एक और चीज़ देखना था कि एक बंदा जो टावर पे मिला था हमें, तो वो जो बंदा है उसके पास अगर हम लोग अपने लेवल 100 के पोकेमॉन्स लेके जाते हैं तो वो कितना ट्रेन करता है हमारे पोकेमॉन्स को, वो चीज़ भी देखनी है मुझे। शायद से हमारा एक नेक्स्ट फ्लेम थ्रोवर जो है ना वो काम कर जाए इसके ऊपर और हम लोग इसको पकड़ पाएँ। लेट्स होप कि कुछ ढंग का हो। मेरे अपलू टपलू लोग ही ऑलमोस्ट निपटा रहे हैं इसको, बल्क अप यूज़ किया उसने। वैसे आप लोगों के कमेंट्स में काफ़ी आप लोगों ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कहाँ पे कौन सा पोकेमॉन है, कौन से नंबर पे। किसी ने तो ये भी कहा कि पोके डेस्क डाउनलोड करो करके, तो वो मैं देखता हूँ पोके डेस्क। और मैं सोच रहा था ऑफलाइन वीडियो ही बना लूँ, ऐसे जैसे हर 25-25 पोकेमॉन जो कैच करूँगा मैं उसका। मतलब ये एंटायरली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि मुझे आप लोग किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो। और मुझे सॉरी टावर पे भी जाना है, बैटल टावर पे। वहाँ पे भी देखना है कि नेक्स्ट जो बेसिक के बाद का जो फाइट है वो किस टाइप का है, वो मैं चेकआउट करूँगा लेकिन वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे पता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं वहाँ पे हार्डर लेवल के पोकेमॉन्स के साथ फाइट करूँगा और हारते रहा तो वही देखेंगे अपन। तो ऋषभ के लिए हम लोगों ने क्रोवी कैच कर लिया है। और यार एचपी दे यार, एचपी सॉरी एचपी बोलते हो, एक्सपी चाहिए यार एक्सपी में। मेरे ख्याल से लेवल 60 होना चाहिए इसका, 70 भी हो सकता है, बट कोई नहीं। और देखते हैं अगर कोई डेन जो है वो एक्टिवेट हुआ है वहाँ पे वाला तो मैंने यूज़ कर लिया है। वहाँ पे शायद सेंटी स्कॉर्च है। आगे चल के देखते हैं अपन। वनिलक्स के साथ मैं टकरा रहा था, ये कौन है भाई? डार्क फेरी मॉर्ग्रेम है क्या? नहीं मॉर्ग्रेम बोलता हूँ, मॉर्ग्रेम से पहले कौन सा था? इम्पी टिम पे क्या? इम्पी टिम पे लग रहा है मुझे शायद, देखेंगे। इसको एक्टिवेटेड रहते हैं, रखते हैं। एक काम करता हूँ यार मैं, लेट्स गो टू द वाइल्ड एरिया, सॉरी लेक ऑफ आउटरेज। वहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन सा पोकेमोन जो है अपने को मिल सकता है। ये है वहाँ पे सेंटी है, वर्ल्ड एरिया पे देखते हैं अपन, सॉरी लेक ऑफ आउटरीच पे देखते हैं कि कौन सा डायनामैक्स वाला पोकेमॉन अवेलेबल है। ओ ये नहीं पकड़ा है मैंने, पकड़ लूँगा मैं, चलो तो अच्छी बात है। लीनू 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 वॉट्स भी मेरे पास इतने सारे हैं ना पूछो मत, बहुत सारे वॉट्स मैं स्पेंड भी कर सकता हूँ विशिंग पीस लेने के लिए शायद। ये मैंने कर लिया है ऑलरेडी, विशिंग पीस तो लिया है मैंने बट व्हाट से लिया था मैंने? ग्लेशियन है, ग्लेशियन नहीं चाहिए मुझे। बट मुझे देखना है कि इस वाले डेन पे लोग बोल रहे थे चारिज़ार्ड आता है, तो चारिज़ार्ड ही होगा शायद ये। ओ कुछ और है यहाँ पे, कौन है भाई? ग्राउल ग्राउल है क्या? फायर टाइप है। स्विच करते अपन अपने इंटेलियन में और
अपन कुछ करेंगे इसके साथ, तो डोंट इनवाइट अदर्स करते हैं, एटलीस्ट देख लेते हैं हम लोग ग्राउली था है कौन है। ग्राउली थे, सॉरी आर के नहीं, नहीं तो ग्राउली थे बोल रहा था मैं। आई 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 आई, क्या करें, इससे फाइट करना चाहिए क्या हमें? बड़ी जाइगेंटा मैक्स फॉर्म नहीं लग रहा है मुझे। सनलाइट को भी एकदम हार्श कर दिया, मेरे ख्याल से तो पंगा नहीं लेना चाहिए मुझे। रन करके मैं देखता हूँ, यू कांट एस्केप। घंटा देख मैं कैसे एस्केप करता हूँ। बैटल आइटम्स क्या हैं? थारा पप्पा भी नहीं मुझे एस्केप करने से रोक सकता। व्हाट? यू सीम टू हियर द प्रोफेसर वॉइस इकोइंग इन योर हेड। जियो डियर, दिस इज़न्ट द टाइम टू यूज दैट। व्हाई? हाय 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 हाय, तो मुझे ये फाइट करनी पड़ेगी। चल भाई, तेरे को मरने की इतनी जल्दी है तो फिर तन्ने मैं मार ही देता हूँ। तो मैंने कैच कर लेते हैं, अगर ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो जाएगा ये, विच विल बी वेरी वेरी नाइस। और मैं कोशिश करूँगा ये एपिसोड जो है छोटा रखने का, क्योंकि मुझे बिल्कुल सीरियसली सोच नहीं रहा है कि मैं अभी क्या बनाऊँ। मुझे, मेरे पास कंटेंट नहीं है एक्चुअली इसमें, क्योंकि मैं सॉर्ड एंड शील्ड में बनाने के लिए, तो मुझे आप लोगों की हेल्प बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। वो दो तीन बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग स्किप करते हैं और स्किप करने के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है छूट छूट जाती है, और जो लोग पूरा देखते हैं उनको ही पता होता है कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं देखा बोला, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ओ भाई, 5 शील्ड है उसके पास यार, ये बहुत ज़्यादा ट्रैग होगा ये बैटल। सेव हो गया था यार मैं, मेरे ख्याल से मुझे इसको कैंसिल कर देना चाहिए, है ना? ग्राउलित पकड़ के भी कोई मतलब नहीं है, तो कैंसिल करने के लिए मैं एक काम करूँगा, इसको मैं क्लोज करके वापस जो है इस पे ले आते हैं अपन, वो फटाफट स्टार्ट करके अपन यही इसके सामने से ही सेव हुआ था ना, तो इसको अपन यूज़ नहीं करेंगे। जो इसके पास में बाजू में एक और डेन है उस पे अपन यूज़ करके देखते हैं। ओके, क्या ये बदल गया? नहीं भैया। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये टेबल है, टेबल पोकेमॉन। इस पे देखते हैं इस पे क्या मिल सकता है हम लोगों को। फ्री में कुछ मिलेगा अपने को? साइकिक फेरी। ओ ये तो नहीं, डीडी तो नहीं होगी ये। एक बार बग टाइप मेरे पास क्या है? फाइटिंग टाइप भी होना चाहिए, लेकिन फाइटिंग टाइप जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये पोकेमॉन है क्या, तो मैं अंदर जाऊँगा और निकल जाऊँगा बाहर, ठीक है? डोंट इनवाइट अदर्स करते हैं, क्योंकि अपन जो ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और उनके उनका जाइगेंटा मैक्स नहीं है तो वो पकड़ के कोई मतलब नहीं है। ओ ये पिछवाड़े दिखाने वाली लड़की आ गई। अच्छा किरिलिया है ये, तो ये तो मेरे पास है, ई को मैं पकड़ चुका हूँ शायद 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 पकड़ा हूँ मैं। दाथा तैयार कर रही है वो, एक मिनट, अगर मैं फाइट में जाके, नहीं मैंने पकड़ा नहीं है यार। जी मैक्स वाइल्ड फायर ही मारेंगे अपन, मस्त वाला। वर्मविड भी मार सकता हूँ मैं उसको, मेरे ख्याल से वर्मविड से उसको ज़्यादा असर होगा। यार मुझे एक्चुअली ना बग टाइप लेके आना चाहिए था, कोई बात नहीं, करीलिया नहीं है मेरे पास तो मैं पकड़ सकता हूँ। होली शिट, बहुत ज़्यादा असर किया यार। अरे दो ही बिचारी, कितनी गरीब है पता है, दो ही उसके पास शील्ड है। आ बच्ची,
नूप। वो मार भी रही है तो किसको मार रही है? बिचारी बचली। ये देखो मछली ने एक लपाड़ा मारा ना उसके मुंह पे, गिरी लिया तू तो गई। ओके लेट अस होप कि अपन डस्क बॉल, अरे डस्क बॉल भी मेरे पास काफी कम बची हुई है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से जाके मिलेगी मुझे डस्क बॉल। तो एटलीस्ट हमारे पास एक पोकेमोन और एक्स्ट्रा आ गया, अभी तक पकड़ा नहीं है तो फिर नहीं बोल सकते कुछ भी इसका, बट आई होप कि ये कमजोर पोकेमोन है तो पकड़ ले हम लोग। टाटू ततर ततर तू गिर लिया, गिर लिया को हम लोगों ने पकड़ लिया। कैसे ताता था यह कर रही है ना वो बैले, प्ले रफ और एमनीशिया दिया उसने हमें। नाइस। ओके तो अच्छी बात है, हमारे पास अभी कितने हो गया, एक सेकेंड लेट मी चेक माई पोके डेस्क, और 218 हो गया हमारे पास, इज वेरी वेरी नाइस। अच्छा एक और चीज़ है, टायरेनेटार। ओ ओ ओ ओ ओ सिंगम पोकेमॉन, या ओ शिट सिंगम पोकेमॉन है जो वो वाली जो फ्रॉस्ट लास है ना उस पे उसका मतलब उस पे क्या बोलूँ मैं, कन्वर्ट होती है जो भी है छोटा वाला पोकेमोन है उससे, ग्लेली ग्लेली ले गेली। अभी ये जो जगह है ना इसमें भी अच्छे अच्छे पोकेमोन मिल जाते हैं। मैंने अपना जो फ्लाइगॉन है वो लैप्रस, एक और फ्लाइगॉन जो है ना मैंने यहाँ से पकड़ा था, इसमें भी ग्लेली है, ये कौन है? अच्छा वो आई, काहे मर रहे हो हम पे आके। ओके भाई चल तू क्विक बॉल खा। कितने है मेरा क्विक बॉल, सारा क्रिटिकल कैच मिलता नहीं यार। ग्लेली मैंने पकड़ लिया है शायद, बट गलती से मैंने और पकड़ लिया तो अच्छी बात है, ज़्यादा पकड़ लेना चाहिए, पकड़ते रहना चाहिए। इसी बात में ओ ईवी, ईवी तन्ने में बाद में इवॉल्व करके मैं तुझे वो करूँगा। ओह हो गई। ओह माय गॉड सिल्वियन में कन्वर्ट हो गई है ईवी, नाइस। वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली ऐसे बैटल पे वो फ्री में इवॉल्व हो जाए। कीप ऑल मूव्स करते हैं अपन, बाद में देखेंगे इसके मूव। डिसआर्मिंग वॉइस मूव रिमेम्बरर के पास जाके मैं कर लूंगा, क्या बात है। अच्छा मैंने ये पकड़ा नहीं था क्लियरली, तो फीमेल फॉर्म अगर मेरा हो मेरे पास होगा इसका तो फिर मैं वो कर सकता हूँ, बट अभी यहाँ पे जो है ये लक्स वाले पोकेमोन है। लक्स और क्या यहाँ पर शायद विशिंग पीस मिलता है, नहीं मिलता। भाई तू दौड़ाना बंद करेगा मेरे को, अरे ओके एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग। बट ये चीज़ अच्छी हुई यार कि अपने को वो मिल गया। ओ ये ड्रैगन टाइप नहीं लग रहा है, अच्छा ये तो वो उसका हीलियोलिस्क है क्या, मुझे पकड़ना है हीलियोलिस्क के लिए मेरे पास, लेकिन पोकेमोन है क्या अच्छा वाला? चलीपी पाई को अपन यूज़ करेंगे अगर तो, पर इसको वन शॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 स्टार है, ग्रेट स्टैट्स है इसके, जेम्स पॉन्ड के ओके स्टैट्स है यार, मुझे बहुत तकलीफ हुई। सिल्वियन के भी ओके है, चलीपी पाई को यूज़ करते हैं अपन मस्त टाइप से।
और इसको पकड़ ही लेते हैं क्योंकि ये मुझे ओवरवर्ल्ड में दिख नहीं रहा था। तो डोंट इनवाइट अदर्स करते हैं, इटर्निटीज को लेके जाएंगे अपन। इतुरनीतुस का मैन के इतस। ओ अनीता आ गई पिछवाड़ा दिखा, हेलियोलिस किया ये। हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोकेमोन है ये, पीका पीका पू। मेरा बेटा मेरे को देख देख के रहा, ऐ ऊ कर रहा है। डायनामिक्स कैनन से इसको डबल पावर से अपन अटैक करते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है भाई। ओके, नॉट द बैड दो। अब मुझे नल को जो है ना कैसे भी करके इवॉल्व करना है यार उस बंदे को। तो मैं ना सिर्फ क्या करूँगा, ईवी का तो काम हो गया अभी, तो कैंप में ले जा के। ओ भाई क्या कर रहा है ये अपना खोपड़ी वो करके। कैंप में ले जा के ना नल को मैं सिर्फ उसी को खिलाऊंगा और उसी के साथ जो टॉयस है वो यूज़ करूँगा और उसी से बात करूँगा। तो क्या होगा कि वो हो जाएगा इवॉल्व, विच विल बी वेरी वेरी नाइस। ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ले आना चाहिए था इसके अगेंस्ट, लेकिन कोई नहीं, एक इटरनल बीम मारूंगा तो फिर दो ही जाए। नहीं कोई बात नहीं, नॉर्मली मारना पड़ेगा अपने को डायनामिक्स कैनन। लेकिन कुछ भी कहो यार, इटरनेटिस को एटलीस्ट जो है ना डायनामैक्स फॉर्म देना चाहिए था। हाँ तू कर ले भाई, तू बदतमीजी कर ले है ना, बार बार अपना स्टैट चेंज कर ले। तो फिर किया उसने, चार्जिंग पावर यूज किया उसने। ओके कोई नहीं, अब शायद डायनामिक्स कैनन जो है हमारा भारी पड़ेगा उस पे, और शायद 30-40% अपन लाइफ उसकी खत्म कर सकते हैं। ओह शिट। देखते हैं ये कितना असर करता है। चला वो मत ले आए बस। हाँ चलो, बैरियर नहीं डाला उसने। व्हाट, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या हुआ, उसने उसके तो स्टैट्स पूरे वो हो गए थे यार। अच्छा उसने स्टैट्स रिमूव कर दिए थे। शीतो शित्तो हो गया, शित्तो सिंगानिया। पैराबॉलिक चार्ज, बट हमें कुछ नहीं कर पा रहा है वो, और हम भी उन उस पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओ भाई कितना हील करेगा तू। अच्छा मैं हील हो रहा था, टोगेपी उसको हील कर रही थी। एक टर्न पे शायद ये चला जाएगा। पॉइजन मार के कोई मतलब नहीं है। सारा दिखाता तो ऐसा है ना कि जितने जैसे चिथड़े उड़ जाएंगे पोकेमोन के डायनामिक्स कैनन से। ओके तो ये दो शॉट और पड़नी है उसको। थंडर बोल्ट यूज़ किया उसने, नूब, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। कर ले कर ले तू, कर ले कर ले, नौटंकी कर ले तू। ये देखो मडप्रे ने उसको ऐसी तैसी कर दी, उसकी ग्राउंड टाइप है ना। ये हो गया, देखते हैं इसको पकड़ लेते हैं शायद, तो हमारी कलेक्शन में एक और पोकेमॉन जो है वो ऐड हो जाएगा। तु
बॉन सस्पेंस इतना ज्यादा हो जाता है ना डायनामिक्स कैच पे. यस वी गॉट इट बॉयस. ज़्यादा अच्छी कैंडीज नहीं दी है इसने, और मुझे डायनामिक्स कैंडीज भी यूज़ करनी है अपने पोकेमोन पे. तो फिलहाल एक और मैं वो देखूँगा. इलेक्ट्रिक नॉर्मल है, अच्छी बात है. मेरे ख्याल से फाइटिंग वाला बंदा भी अपना इसको अच्छे से निपटा सकता था. ओके तो लेट्स डू एक और. ओ पर्पल डैन कौन है भाई, कौन है कौन है कौन है, कैसा है, क्यों है? पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक पॉइजन. ओ ये तो टॉक्सिसिटी है. सेकंड वा, एक मिनट. टॉक्सिसिटी है ये, पर कौन सा वाला टॉक्सिसिटी है? एक सेकंड, मैं एक सेव मारता हूँ फटाक से और उसके बाद मैं देखता हूँ कि डोंट इनवाइट अदर्स करते हैं. मुझे पता है लोग बोल रहे होंगे अरे उसके खिलाफ ये वाला पोकेमॉन यूज़ करो, वो वाला पोकेमॉन यूज़ करो. मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन सा फॉर्म है. ओ मेरा वाला फॉर्म है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा भाई अपने को. बट उस ये बैटल में लड़ूंगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो सिर्फ इफेक्टिव मूव्स है. मुझे पता है कि चारिज़ार्ड जो है इतना पावरफुल नहीं है, तो रन अगर नहीं होगा तो अपन मस्त टाइप से इसको कैंसिल करेंगे. और मुझे सिर्फ एक फाइनल चीज़ मुझे चेक करनी है कि वो जो बंदा जो बोला था टावर पे कि आपके जो 100 लेवल के पोकेमॉन्स है उनको मैं और ट्रेनिंग दे सकता हूँ, हाइपर ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो मुझे वहाँ जाके एक बार देखना है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं अपने जो पोकेमॉन्स हैं उनको. लड़ाई झगड़ा तो काफ़ी किया हम लोगों ने इस एपिसोड में, बट कोई नहीं. और अभी भी शायद वही है. ओके तो यहाँ पे आके मैं कर सकता हूँ, टाउन मैप में जाके अपन मस्त टाइप से चलते हैं यहाँ पर बैटल टावर पे. और यहाँ पे गाड़ी अंदर घुसा देते हैं जो कि बिल्कुल फाइन है. और शायद ये वाला बंदा था हाइपर ट्रेनिंग वाला. ओके तो मैं अपने 3 पोकेमॉन जो है उनको हाइपर ट्रेनिंग दे सकता हूँ. लेकिन सेलेक्ट, वुड यू लाइक टू यूज़ अ बॉटल कैप और अ गोल्ड कैप? बॉटल कैप, शुड अ हाइप अप. ओ तो HP मेरा फुल हो चुका है. मैं इसका या तो अटैक बढ़ा सकता हूँ, स्पेशल डिफेंस बढ़ा सकता हूँ, स्पीड बढ़ा सकता हूँ. 3 बॉटल कैप है, 3 यूज़ कर सकते हैं अपन. मेरे ख्याल से मुझे अटैक बढ़ाना चाहिए, अटैक अभी भी कम है. अच्छा ओके व्हाट, ये तो मेरा पोपट कर दिया अरे. वेट करो एक मिनट यार, ये तो पोपट कर दिया यार. और बढ़ नहीं सकता बोलता है. जेम्स पॉन्ड को करते हैं अपन, देखते हैं जेम्स पॉन्ड का बढ़ा सकते कि नहीं. ओ इसके भी सारे हो चुके, तो हमारा जो स्टैट था बहुत ही शिट था. अच्छा ओके ओके, जो जो बढ़ा सकते हैं वो ऐसा दिखता है, तो इसको बहुत ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है, अटैक नहीं ज़रूरत है, और स्पेशल, ओ शिट स्पेशल अटैक नहीं, स्पेशल डिफेंस जो है. स्पेशल अटैक तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशल डिफेंस डोंट हैव इनफ बॉटल कैप्स. ओके तो मुझे अभी और ट्रेनिंग दे सकता हूँ मैं. सॉरी गाइस मुझे आइडिया नहीं था. वॉन्ट टू कीप द हाइप गोइंग विद सम मोर हाइपर ट्रेनिंग सिंस यू डोंट हैव एनी बॉटल कैप्स और गोल्ड कैप्स. ओके तो मुझे थोड़ी बैटल्स यहाँ पे करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके. और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ भी अजीब सा लिख दिया, सोच रहे हैं बेवकूफ़ बन जाएंगे हम लोग. कोई नहीं, तो एक चीज़ अच्छा हुआ इस पूरे इस एपिसोड में, हम लोगों ने फाइनली सिल्वियन पे
अपग्रेड कर लिया ईवी को, जो कि मुझे करना था। बहुत प्यारी दिखती आ रही है, विल बी ऑन। ओके, अभी बस बचा है नल को इवॉल्व करना सिलवैली में। तो वो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, और आप लोग मुझे बताओ कि भाई मुझे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए नेक्स्ट के आगे के एपिसोड जो है उसको। क्या मैं 30-30 पोकेमोन जो है एक एक एपिसोड में पकड़ूं और उसके वीडियोस बनाऊं जैसे 30-30-30-30 ऐसा, या फिर मुझे लाइव स्ट्रीम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बट वही है, जो भी आप जो भी है आप सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। और आर्क का वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसको एडिट भी कर लिया है, तो मैं सुबह तो ये डालूंगा पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड का, और शाम को मैं 5 या 6 बजे के आसपास आर्क की सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे उसमें हेल्प करोगे उसमें भी। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।